हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड हेयर ट्रीटमेंट। मैं सीमा, आज मैं आप लोग के साथ में एक बहुत ही अच्छी सी बात शेयर करने के लिए आई हूँ आप लोग के साथ में। और आप लोग उस रिकॉर्डिंग में सुन लेना, वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे साथ में और मैं आप लोग के साथ में वो शेयर भी करूंगी, आप सुन भी लीजिएगा। मतलब जिसको विश्वास है वो बंदा करता है, जिसको ट्रस्ट है वो करता है, जो बंदा प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को फॉलो करता है उसको फर्क पड़ता है, ठीक है। और जिस बंदे ने किया है उनको रिस्पॉन्स मिला है, आप खुद देखोगे, आपको खुद रिस्पॉन्स दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा। मतलब मैं विश्वास ही नहीं कर सकती कि कोई बंदा इस तरीके से इस चीज़ों को फॉलो करता है और फिर रिजल्ट शेयर करता है, ठीक है। तो मैं उनको यहाँ पर थैंक्स बोलना चाहूंगी, उन्होंने मेरी रेमेडीज को फॉलो की है। गाइज, जिस तरीके से मैं अपने बालों की केयर करती हूँ ना, उस तरीके से उन्होंने अपने बालों की केयर करी है। और उनकी जो बालों की लेंथ है, आप खुद देखना, खुद उनकी वॉइस में सुन लेना, आफ्टर बिफोर का डिफरेंस, कितने ज्यादा छोटे बाल थे उनके और अब कितने ज्यादा लंबे हो गए। और अभी क्या चल रहा है, फैब चल रहा है, ठीक है। और फैब में ही उनको इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। बहुत से लोग हैं जलन करते हैं, जेलसी उनको फील होती है, बहुत से लोग होते हैं फालतू की चीज़ों पे ध्यान देते हैं और लोगों की कही सुनाई बातों पे ध्यान देते हैं और उस चीज़ों को आकर दूसरे की वीडियो में लड़ाई झगड़ा फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बैड कमेंट्स करते थे, जो फालतू के कमेंट करते थे, उनको मैंने इग्नोर किया है आप लोगों की वजह से ही। आप लोगों ने कहा है दीदी आप इग्नोर करो बैड कमेंट्स को, ठीक है, मैंने इग्नोर किया है और अभी मैं अपना काम कर रही हूँ मन से दिल से और आप लोग के साथ में अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। गाइज, इतना तो मुझे भी पता है कि मैं अगर कोई चीज़ यूज़ करूंगी, कोई चीज़ गलत बताऊंगी तो आप लोग को फर्क लगेगा, आप लोग यूज़ करोगे। जब आप मुझे फॉलो करें तो मैं आप लोग को 100% इफेक्टिव रिजल्ट वाली चीज़ें ही शेयर करूंगी। मुझे अगर 90% भी इफेक्ट मिलता है ना तो भी मैं शेयर नहीं करती हूँ, ठीक है। जब मुझे 100% रिजल्ट मिलता है तभी शेयर करती हूँ, अदरवाइज मैं ना करूँ आप लोग के साथ में। उन्होंने मेरी रेमेडीज को फॉलो करी है, उनको बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। और एक मेरी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है प्रियंका, उन्होंने मेरी एक पटेटो का मेरा क्रीम है, DIY घर का क्रीम है, मैंने बनाया हुआ है, शेयर किया है, वो यूज़ करी है। उन्होंने मुझे ये बताया कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही औसम रिजल्ट है, तो उन्होंने मेरे से वो भी फीडबैक शेयर किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स किया है और शेयर किया। एक बंदी है जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा करीब हो गई, उनको मैंने तहे दिल से धन्यवाद बोला है। और मतलब आज मैं कितनी खुशी हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को, कि बंदा अगर मेहनत करता है ना तो उसको सक्सेस मिलती है, चाहे उसमें 100 लोग हों, चाहे उसमें 200 लोग हों, चाहे उसमें 50 लोग हों। अगर बहुत सारे लोग उनके साथ में हैं और भगवान साथ में है ना, तो उसको सब कुछ मिलता है, ठीक है। किसी इंसान के साथ में अगर भगवान है ना, तो भगवान ना उसको आगे ही बढ़ाता है, पीछे नहीं जाने देता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यहाँ पर ये चीज़ कहूँगी कि आप लोग रेमेडीज को फॉलो करो। ये मत सोचो कि आपके बाल लंबे क्यों नहीं हो रहे, टेंशन नहीं लेना है, फॉलो करना है रेमेडीज को, अपना काम करना है, काम कीजिए, उसके बाद से जो रिस्पॉन्स आता है वो देखिए आप। टेंशन फ्री होकर, आप टेंशन लोगे आपको हेडेक होगा तो आपके हेयर फॉल होंगे, राइट। अगर यहाँ पर आप टेंशन नहीं लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए पहले आप लोग वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके बाद से मैं आप लोगों से बात करूँ। गाइज, आप लोग यहाँ पर ये जो फोटोज है ये देखिए, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने मुझे फॉलो किया है और उनकी हेयर लेंथ ये फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है, ठीक है। तो वो मेरी रेमेडीज को फॉलो करी, उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पर थैंक यू बोला है। तो आप लोग वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, तो मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और आप इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनिए। इन्होंने मेरी सारी रेमेडीज को फॉलो किया है और अब ये खुद ही कह रही हैं, वो आप सुन लो, ठीक है। हेलो सीमा, मैंने फोटो भेज दिया है, फर्स्ट फोटो जो है वो मैंने 1 जनवरी 2020 को निकाला हुआ है और सेकंड और थर्ड फोटोज 4 फरवरी 2020 में निकाला है। एक फोटो जो है सेकंड वाला वो विथ फ्लैश लाइट है, इसलिए थोड़े चमक रहे बाल, मेरे सफ़ेद हो गए, उनको मैंने मेहंदी लगाई थी बहुत पहले। और दूसरा वाला जो है वो विदाउट फ्लैश है, सो ब्लैक दिख रहे हैं, एक्चुअली में वाइट है मेरे हेयर्स, लेकिन हेयर लेंथ बढ़ गई है। आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ मैं, आपके बताए हुए नुस्खे आजमा के ये सब कुछ हो गया, मैं वो फॉलो करने वाली हूँ पूरे साल। हेलो सीमा, थैंक यू वेरी मच फॉर द हिबिस्किस टोनर जो आपने आज शेयर किया है, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू और मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगी, थैंक यू वेरी मच। और मुझे आपको और एक सजेशन देना है, आपको कि अभी समर स्टार्ट होने वाला है, ऑल ओवर इंडिया मार्च अप्रैल में 3 महीने बहुत सारी धूप रहती है, तो आप अभी आने वाले दिनों में ऐसे कोई ऑयल्स शेयर करो जैसे कि मेथी का ऑयल हो, कलौंजी का हो, हिबिस्कस का हो, या अपना
कोई भी ऑयल जो हम धूप में बना सकते हैं उसको अभी आप शेयर करोगे तो 2-3 महीने सबको इसका बहुत यूज़ हो जाएगा, जो हम पूरे साल रख सकते हैं। ऐसे ऑयल आप ज़रूर शेयर करना प्लीज़। हेलो सीमा, एक्चुअली ये मैसेज मुझे सबसे पहले डालना चाहिए था, मैं सबसे आखिर में डाल रही हूँ। मैं प्राची पोद्दार बोल रही हूँ बेलगाम कर्नाटक से, और मुझे आपका ट्रीटमेंट का आपका फॉलो आपका जो रूटीन है फॉलो करके जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं मेरे हेयर्स में। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू डार्लिंग, और गॉड ब्लेस यू। अभी मैंने अपने फेस पे बता दूं मैं आप लोग को, अभी मैंने अपने फेस पे कोई मेकअप नहीं किया। जो मैंने आप लोगों के साथ में अभी क्रीम शेयर करी है और टोनर शेयर किया वही यूज किया है, और अपने फेस को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। और जो मेरा फेस है बहुत ज्यादा ड्राई है ना, तो मैं इसीलिए ये क्रीम बनाई हूँ और आप लोग के साथ में शेयर करी हूँ। और मैं अपने फेस पे कोई भी चीज यूज नहीं करती हूँ, बस केवल मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, और अपना वो भी घर का DIY। ठीक है, बाहर का मैं मॉइस्चराइजर कम यूज करती हूँ, रात में मैं बस अपना घर का DIY ही यूज करती हूँ। अभी मैं जो मॉइस्चराइजर यूज कर रही थी 2-4 दिन पहले, तो मैं वो जो आपके साथ में मैंने कल मॉइस्चराइजर शेयर किया था वो यूज कर रही थी, बाहर का मॉइस्चराइजर, मैं कैरेट सीड एसेंशियल ऑयल को मिक्स करके। अभी ये जो हमारा मॉइस्चराइजर खत्म हो जाएगा तब मैं आप लोग के साथ में एक नया मॉइस्चराइजर शेयर करूंगी। ठीक है, जिनकी शादी होने वाली है वो भी इस मॉइस्चराइजर को यूज कर सकते हैं, जो मैंने अभी शेयर करी है आप लोग के साथ में, टोनर और मॉइस्चराइजर का कॉम्बिनेशन कैरेट चीज एसेंशियल ऑयल के साथ में। ठीक है गाइस, तो आप लोगों ने वॉइस रिकॉर्डिंग सुन ली, आप लोग को भी खुशी हुई होगी ना कि मतलब हम इतनी बड़ी फैमिली हैं, और अगर उसमें 100 लोग भी आ जाते हैं बुराई करने के लिए ना, तो हम लोग को 100 लोग हरा नहीं सकते हैं, क्यों हमारे साथ में 1,00,000 लोग हैं। ठीक है, और हमारी जो फैमिली है वो धीरे धीरे ऐसी ही बढ़ती जाएगी। और ये जो क्लिप मैंने आप लोग के साथ में शेयर करी है, ये इसलिए शेयर करी है कि आप लोग भी यूज करो, इनसे कुछ सीखो कि हाँ आपने इन्होंने यूज किया तो इनको फायदा मिला तो आप लोग को भी मिलेगा। थोड़ा सा सब्र कीजिए, सबकी हेयर ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ, स्किन की टेक्सचर, हर चीज अलग होता है। अब आपकी बॉडी में क्या चीजें कब लगती हैं आपको नहीं पता होता, आपकी बॉडी जो है, आपकी जो बॉडी है वो आपकी बना दी हुई चीज को कब एक्सेप्ट करती है ये भी आपको नहीं पता होता। ठीक है, चीजें सारी चीजें बॉडी को आप दो और धीरे धीरे दो आप। ठीक है, आप देखो आपको फर्क लगेगा। ठीक है, तो गाइज आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी आप लोग को, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को सब लोग के साथ में शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये जो नोटिस है, जो ये मैसेज है मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, पूरी 1,00,000 फैमिली तक पहुंचे, और इस वीडियो को लोग ज्यादा से ज्यादा देखें और इस चीज को फॉलो करें, जो भी रेमेडीज मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। ठीक है, आप लोग यूज कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। छोटे छोटे बेबी हेयर देख रहे हैं आप लोग, कितने सारे आ गए और वह बड़े हो रहे हैं, लटक रहे इधर से उधर उधर से उधर। ठीक है, तो आप लोग फॉलो करोगे तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलने वाला है, गुड रिस्पॉन्स मिलने वाला। ठीक है, तो सो गाइज अगर आप लोग को ये लगता है कि मैं अपने फेस पे मेकअप लगा के आप लोग के साथ में वीडियोस पे वीडियो शूट करती हूँ, मेकअप लगा के बात करती हूँ, तो ये आप लोग की सोच गलत है। बिकॉज मैं अपने फेस पे कभी भी मेकअप लगाकर अगर वीडियो शूट करती तो आप लोग को पता लग जाता है। ठीक है, मेकअप का जो लुक होता है वो अलग ही होता है, मैं जैसे रहती हूँ घर में वैसी ही आप लोग के साथ में आती हूँ, और मैं मेकअप की वीडियोज कम करती हूँ, आप लोग को पता ही है। ठीक है, मैं मेकअप की वीडियो इसलिए ही कम करती हूँ क्योंकि मेरे पास इन्हीं सारी चीजों से टाइम नहीं होता है। बट हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं मार्च में आप लोग के साथ में एक हफ्ते में एक बार या फिर हफ्ते में 2 बार मेकअप लुक शेयर करूंगी, क्योंकि गाइज मेकअप लुक में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और उसमें फिर चीजों को समेटने में भी टाइम लगता है, करने में भी टाइम लगता है, एडिट करने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में मेकअप की जो वीडियोस है कम शेयर करती हूँ। बट मैं यहाँ पर ये लाइन इसलिए ऐड कर रही हूँ बिकॉज बहुत से लोग को लगता है कि दिन भर मेकअप मेकअप मेकअप, तो गाइज मैं मेकअप लगाकर वीडियो नहीं शूट करती हूँ। ठीक है, मैं लिपस्टिक लगाती हूँ और कभी कभी मैं लिपस्टिक लगाती भी नहीं हूँ, आप लोग खुद ही देखते होंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर है जो मुझे रोज ही डेली वॉच करते हैं तो उनको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात मुझे रखना बहुत जरूरी लगा, तो इसलिए मैंने ये बात रखी है। और एक चीज और कहूंगी यहाँ पर कि अगर आपके जो हेटर्स हैं आपसे जलते हैं तो आप उनको छोड़ो, इग्नोर करो और आगे बढ़ो, सक्सेस आपके हाथ में है। अगर आप अच्छी सोच रखते हो, पॉजिटिविटी है आपके अंदर, नेगेटिविटी नहीं है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोग को यही चीज बताने के लिए ये वीडियो शूट कर रही थी, और वो ऑडियो क्लिप भी इसीलिए डाला है क्योंकि मुझे पता है यार, जब आपके अंदर ही पॉजिटिविटी रहेगी और आपको अपने काम पर पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ आपका जो काम है वो 100% राइट है, गलत नहीं है, इफेक्टिव है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई पीछा कहीं नहीं सकता। ठीक है, आप आगे ही जाओगे, क्यों? क्योंकि आप उस चीज को करते हो तो आपको रिस्पांस मिलता है, तो जाहिर सी बात है दूसरे बंदे को भी मिलेगा। एक चीज और गाइज, अगर आप लोग कोई भी केमिकल, कोई भी ट्रीटमेंट अपने बालों पर लेते हो, ठीक है, वो मुझे आप लोग शेयर किया करो, चाहे वो इंस्टा पे, चाहे वो
आपका यूट्यूब चैनल है हमारा, जहाँ पर ब्लॉग चैनल है हमारा, ठीक है, या वॉस पे या फिर आप नेचुरल ब्यूटी पे, वहाँ पे भी आप शेयर किया कीजिए कि दीदी मैंने ये ट्रीटमेंट ली है तो मेरे हेयर फॉल इससे हो रहे हैं, मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो मेरे हेयर फॉल इससे हो रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोग भी मिस्टेक करते हो, तभी आपके जो हेयर फॉल होते हैं वो बढ़ते हैं और आप लोग को पता नहीं होता है, और आप लोग ये कहते हो कि मैंने आपकी ये रेमेडी यूज़ करी है तो मेरे बाल झड़ गए। मैं कैसे मान लूँ यार, नहीं मान सकती मैं, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या चीज़ शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ में। एक बंदे को ये प्रॉब्लम हो सकती है, दो बंदे को प्रॉब्लम हो सकती है यार, पर यार यहाँ पर हजारों लाखों लोग मेरी रेमेडीज को फॉलो कर रहे हैं, उनको तो नहीं हुई ना। तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखा कीजिए। अभी एक लड़की का मैसेज आया था, सब्सक्राइबर है या नहीं है मुझे नहीं पता है, उन्होंने वैसे कहा है दीदी मैं स्ट्रेटनिंग करा लूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, स्ट्रेटनिंग नहीं करानी है आपको, स्ट्रेटनिंग बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है आपके हेयर के लिए, ठीक है। आप कराते हो तो आपको बहुत ही उससे गंदे रिजल्ट मिलते हैं, आपके बाल जो होते हैं बहुत डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखा करो, और आपको कभी भी अपने बालों में कोई भी ट्रीटमेंट लेनी है तो आप एक बार बताओ मुझे, मैं आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी अगर आप लोग चाहते हो तो। अगर कुछ समझते हो तो शेयर करो, अदरवाइज कोई बात नहीं, आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कौन होती हूँ इंटरफेयर करने वाली, ठीक है। तो अगर आप लोग को मेरी ये बातें सही लगी होंगी तो आप लोग बता दीजिएगा, अगर आप लोग एग्री हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, ठीक है, और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, मैं फेसबुक पे भी हूँ, फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए मुझे। और गाइज मैं बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए व्हाट्सअप नंबर और व्हाट्सअप पे कांटेक्ट होने का कुछ करती हूँ जुगाड़, ठीक है, हमारी लैंग्वेज में जुगाड़, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ तो जुगाड़ करती हूँ। तब तक आप लोग सब्र कीजिए, जो सब्र का फल होता है वो मीठा ही होता है ना। तो आप लोग मेरे से बहुत ही जल्दी बाई फोन भी बात कर लोगे, और बहुत ही जल्दी मैं आप लोग के लिए अपना खुद का बना हुआ प्रोडक्ट शेयर करूंगी, बेचूंगी, सेल करूंगी, जिसको लेना होगा वो परचेज कर सकता है, ठीक है। मैं पूरी प्रॉपर तरीके से वो भी सारी चीज़ें आप लोग के सामने शेयर करूंगी, आप लोग के कुछ सोच रही हूँ आप लोग के लिए भी, जिससे आप लोग को बनाना ना पड़े, आप लोग को इतनी सारी चीज़ें खरीदना ना पड़े, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।